बहुजन क्रांति मोर्चा की राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 180 दिन चलने वाली है और ये 26 जून को कश्मीर से निकल चुकी है और ये महाराष्ट्र पहुंच गई है और महाराष्ट्र में इसका पहला कार्यक्रम पालघर जिला में हुआ जो 16 अगस्त को हुआ और महाराष्ट्र का समापनीय कार्यक्रम जो 27 सितंबर को नागपुर में हो रहा है, नागपुर के जो गुरु नानक भवन अशोक चौक में ये समापनीय कार्यक्रम नागपुर में हो रहा है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इस बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेरसाम साहब करने वाले हैं और इसका उद्घाटक जो है वो माननीय मोहम्मद देशमुख साहब जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं नागपुर के इस एरिया में, वो इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और ये परिवर्तन यात्रा नागपुर के जगनाड़े चौक से निकलते हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चारों विधानसभाएँ घूम कर शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास इंदौरा चौक और बाद में जहाँ समापन हो रहा है वहाँ ये यात्रा का समापन होगा। और उसके एक दिन पहले 26 तारीख को कामठी में सवेरे इसका कार्यक्रम है, शाम को कड़मेश्वर में इसका कार्यक्रम है और ये पूरे नागपुर जिला में हम लोग परिवर्तन यात्रा निकाल कर EVM, इस परिवर्तन यात्रा को टाइटल दिया है हमने, उस टाइटल का नाम है EVM भंडाफोड़। तो EVM का हमको भंडाफोड़ करना है, मतलब एक्चुअली करना क्या है कि EVM मशीन से जो पर्चियाँ निकलती है उसकी काउंटिंग नहीं हो रही है, काउंटिंग कुछ बूथों पर अगर काउंटिंग हो रही है तो वो EVM पर जो डिस्प्ले है उसके साथ में मैच नहीं हो रहा है। मतलब इस EVM के माध्यम से और EVM के साथ VVPAT लगाने के बावजूद भी EVM क्लियर रिजल्ट नहीं दे पा रहे, लोगों के मन में शक है, मन की जो मन की बात मन ही में है बोल नहीं रहे और कुछ लोग बोल रहे हैं उनकी बात लोगों तक पहुँच नहीं रही है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप मीडिया वाले जो लोग हैं, आज मीडिया की वजह से ये बात लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है सही ढंग से, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुँचाएंगे और आने वाले समय में EVM को हटाकर हमको बैलेट पेपर पर आना होगा। अगर हम डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप कंट्री बनने की तरफ जा रहे हैं, हमको डेवलप कंट्री बनना है तो उसकी कंडीशन है EVM को हटाना है ताकि इस भारत के 125 करोड़ लोगों का विश्वास जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं इस संदर्भ में मैं बहुजन समाज के जो सभी लोग हैं, 85% के जो लोग हैं SC ST OBC और उसमें से जो धर्म परिवर्तित माइनॉरिटीज लोग हैं, ये सभी साथियों को मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का संयोजक होने के नाते अपील करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि सभी लोग उस कार्यक्रम में आकर अपनी ताकत दिखाएं ताकि हम EVM को हटा सके, बैलेट पेपर को ला सके और हम हमारे अधिकार के लिए, फंडामेंटल अधिकार के लिए लड़ सके। EVM हटाना ये हमारे फंडामेंटल राइट की बात है। धन्यवाद।